हम काम करते हैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफस्टाइल डिजीज। हम लाइफस्टाइल डिजीज पे लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देने का काम करते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से कौन सी बीमारी होती है, घर घर जाके हम लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। जिसको प्रेजेंट कर रही है सर SVPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में AWPL बोलते हैं। यह एक आयुर्वेदिक संस्था है। बताना चाहूंगा सर, हमारे संस्था के MD सर है मिस्टर संजीव कुमार, जो कि एक्स आर्मी पर्सन है और अपने जोधवाड़ा जयपुर के रहने वाले। 15 साल देश की सेवा करने के बाद 9 नवंबर 2014 को अपने जयपुर राजस्थान से इस संस्था की शुरुआत की है सर। और बताना चाहूंगा सर, 6 साल में आज संस्था के पास लगभग 40 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अपने सीतापुरा जयपुर में दो दो मैन्युफैक्चरिंग तैयार है, जो 85 करोड़ रुपए लगाकर तैयार की गई है। और बताना चाहूंगा सर, ये है हमारी संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसकी जानकारी देने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देने में जा रहा हूं सर, कि भारत सरकार ने सर 2013 में कंपनी एक्ट लागू किया था, तो कुछ कंपनियां उस टाइम पे उस नियम शर्तों को फॉलो नहीं कर पाए तो आउट हो गई। और 2016 में क्योंकि कई प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटियां, बीमा कंपनियां, चिटफंड कंपनियां, मनी रोटेशन वाली कंपनियां जो आई थी, जो लोगों को लूटने का काम कर रही थी, फ्रॉड सिस्टम कर रही थी, इन पे भारत सरकार ने बैन लगाते हुए और 2016 में MLM गाइडलाइन जारी कर दी। और MLM गाइडलाइन 2016 के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में 457 कंपनियां काम कर रही, जिसमें SVPS टॉप 10 में काम कर रही है। और उस टाइम पे लगभग 11-12 हजार कंपनी मार्केट से आउट हो गई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था कंपनी एक्ट 2013 और MLM गाइडलाइन 2016 को फॉलो करने वाली लीगल संस्था है, जिसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। बात करेंगे सर हमारी संस्था का मिशन। हमारी संस्था का मिशन है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करते हुए घर घर खुशियां पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं सर। और बताना चाहूंगा सर, हमारे शरीर में 7 तत्वों की आवश्यकता होती है, इनमें से एक भी तत्व की कमी पाई जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। हमारा शरीर की रचना की बात करें तो सर परमाणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तकों से अगर अंगों से मिलकर अपनी बॉडी का निर्माण होता है, सेम इसी प्रकार से 1/1 पार्ट पे अपना आयुर्वेद काम करता है। और यही कारण है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। बताना चाहूंगा सर, आज के 150 साल पहले की बात करें तो पहले सर डिलीवरी नॉर्मल हुआ करती थी, खान पीन अपना शुद्ध हुआ करता था, सारे मसाले घर पे कूट पीस के तैयार किए जाते थे, मेहनत इतनी करते थे कि योगा करने की जरूरत नहीं होती थी, खुशहाल जिंदगी जीते थे, बूढ़े होकर मरते थे, उम्र अपनी 100-125 साल हुआ करती थी। लेकिन प्रेजेंट में सर इसके विपरीत काम हो रहा है। डिलीवरी सीजेरियन हो रही है, बच्चे हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं। खान पीन की बात करें तो पिज्जा बर्गर चाउमीन मैगी बतासे कुरकुरे ऐसे केमिकल की सड़ी गली चीजें खा रहे हैं, जिनसे इंसान एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर हो गया, 100 साल से घटके 50-60 साल पे आ गया। बताना चाहूंगा सर, पास्ट में कुछ बीमारियां हुआ करती जो चूहा, बैक्टीरिया, मच्छर के काटने से हुआ करती, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती थी। बीमारियां नहीं, महामारियां हुआ करती थी, जिससे गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन मेडिकल साइंस को सैल्यूट है कि आज इन पे लगभग कंट्रोल पा लिया गया है, कमी की वजह से आज को नहीं मारा जाता। लेकिन खान पीन की वजह से प्रेजेंट में कुछ बीमारियां हो रही है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ओबेसिटी, अल्जाइमर, जिनका डॉक्टरों के पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक हम दवाई लेते हैं तब तक ठीक है, और बंद करते हुए पोजीशन वापस हो जाती है। बताना चाहूंगा व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती क्या की हमने, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले का खान पीन है सभी प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण हुआ करता था, अपनी बॉडी में मेडिसिन का काम करता था, लेकिन बिजी लाइफ में हमने इसको भुला दिया। आज हम इसकी जगह फास्ट फूड खा रहे हैं और ये फास्ट फूड हमारी बॉडी में स्लो पोइजन का काम कर रहे हैं। और आज 98% लोग बीमार हो रहे हैं केवल केवल अपने फास्ट फूड की वजह से। बताना चाहूंगा सर, फलों को इंजेक्ट किया जा रहा है, कुकिंग मेथड हमारा चेंज हो गया, चूल्हे से आज हम गैस पे आ गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 6-6 महीने पुराने फल सब्जी मार्केट में आ रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अपने पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। और बात कर लेते हैं सर खेतों की, पहले खेतों में गोबरिया खाद दे रहे थे, आज हम यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, और इस केमिकल की वजह से 3,70,000 लोगों की डेथ प्रति साल हो रही है। इतना ही नहीं है सर, बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक की बात करें सर, विदेशों में इसको सर टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज कर रहे हैं और इंडिया में लोग पी रहे हैं। एक गिलास के अंदर सर 16 चम्मच के बराबर इसमें मीठा पाया जाता है, मीठा भी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सर इसके अंदर 6 प्रकार की एसिड, और अगर इसको लगातार यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के साइड इफेक्ट हो रहे हैं सर। लोगों का ढेर आ रहा है, BP हो रही है, मोटापा हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, हड्डियों और दांत खराब हो रहे हैं, ऐसी कई प्रकार की बीमारी हो रही है। तो कुल मिला के सर हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए।
और बात कर ले सर कॉस्मेटिक केमिकल इन फास्ट फूड, हमारे जितने भी फास्ट फूड है उसमें कॉस्मेटिक केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अपने पिज्जा बर्गर केक आइसक्रीम है इनके अंदर वही केमिकल डाला जा रहा है जो केमिकल मच्छर मारने या कीड़े मकोड़े या जो भी शैम्पू क्रीम पाउडर में डाला जा रहा है वही केमिकल इनमें डाला जा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं खा रहे हैं तो अपनी लिवर किडनी खराब कर रहे हैं, तो हमें इसको नहीं खाना चाहिए। और बात कर लेते हैं सर टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरमेंट की, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन रेडिएशन इनसे भी हम कहां बचे हुए हैं सर। क्लियर, कुल मिला के सर इस खान पीन की वजह से, कुल मिला के सर इस खान पीन की वजह से हमारे अटैक की समस्या पैदा हो रही है, डायबिटीज की समस्या पैदा हो रही है, 7 में से 1% डायबिटीज का हो रहा है, गठिया की समस्या पैदा हो रही है, इस खान पीन की वजह से मोटापा बढ़ रहा है और आने वाले 10 सालों में 50% भारत मोटापे का शिकार हो जाएगा क्योंकि खान पीन ऐसा हो गया है। और बात करते हैं बीपी की, खान पीन ऐसा तुरंत लोगों के हाइपर टेंशन हो रहा है। और कैंसर की बात करें तो कैंसर की तो राजधानी जाना जाता है, खान पीन ऐसा हो गया कि लोगों की हड्डियां गल चुकी है, एलर्जी कई प्रकार की एलर्जी हो रही है क्योंकि खान पीन ऐसा है, स्टोन प्रॉब्लम 20 में से 1% अपने को पत्रिका मिल जाएगा सर। और बात करते हैं सर गायनिकल प्रॉब्लम की, लेडीजों के 90% लेडीज की समस्या हो रही है क्योंकि खान पीन ऐसा ही हो रहा है, और लीवर जिसका कोई इलाज ही नहीं है और लगभग 90% लोगों की लीवर तो डैमेज होती जा रही है। तो कुल मिला के सर ये जितनी भी बीमारी अपनी बॉडी में हो रही है वो अपने खान पीन की वजह से ही।